नमस्कार, हेल्थ टॉक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पेट खाना खाने के बाद फूल जाता है, तो इसके कारण क्या हैं और हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा पेट खाना खाने के तुरंत बाद ना फूले। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शादियों और पार्टियों का खाना खाते हैं और उनका पेट फूल जाता है, या फिर कुछ मीठा या कुछ हैवी खाना खाने से आपका पेट भारी होने लगता है, जिस वजह से ना तो आप आराम से बैठ पाते हैं और ना ही कुछ खा पाते हैं। पेट की ये छोटी सी परेशानी आपके लिए बहुत बड़ी आफत बन जाती है और हम आपको यहाँ पर 5 ऐसे टिप्स बताने वाले हैं जिससे आपको इसको दूर करने में, इस समस्या को दूर करने में आसानी होगी। तो सबसे पहला आपके लिए टिप्स है, आप पोटेशियम से भरपूर खाना खाएं। पोटेशियम शरीर से एक्स्ट्रा फ्लूड निकालने में हमारी मदद करता है, इसलिए अपनी डाइट में केला, शकरकंद, पालक और पिस्ते का इस्तेमाल जरूर करें। दूसरा टिप्स, कभी भी ब्रेकफास्ट ना छोड़ें। ज्यादातर लोग यही गलती बहुत बार करते हैं, सुबह का वक्त बचाने के लिए कुछ भी नहीं खाते और बाद में हेवी लंच करते हैं, इसी वजह से उनका रात का डिनर बहुत भारी होता है। आपको बता दें, ब्लोटिंग होने का सबसे बड़ा कारण यही होता है, इसीलिए हर सुबह फाइबर से भरपूर ब्रेकफास्ट करें। इससे आपको वक्त से पहले भूख नहीं लगेगी और आपका पेट नहीं फूलेगा। इसके अलावा कई लोग शादी या पार्टी में जाने से पहले पेट खाली रखते हैं, यानी कुछ नहीं खाते, और उसके बाद जब वो शादी में चले जाते हैं या पार्टी में ज्वाइन हो जाते हैं तो बहुत भारी भरकम खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना खा लेते हैं, जिससे उनका पेट फूल जाता है, ब्लोटिंग की समस्या उनको हो जाती है। इसके अलावा ब्रिक्स एक्सरसाइज खाना खाने के बाद कई लोगों को आलस, नींद और थकान होती है, ऐसे में वो लोग एक्सरसाइज को बिल्कुल अपने डेली रूटीन से निकाल देते हैं, इस वजह से भी ब्लोटिंग होती है। इसलिए आप रोजाना एक्सरसाइज जरूर करें। हेवी खाना खाने के बाद तो आपको जरूर एक्सरसाइज करनी करनी है। वक्त की कमी हो तो सिर्फ 15 मिनट के लिए ब्रिक्स वॉकिंग करें, इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होगा और खाना आसानी से पच जाएगा। चौथा टिप्स, आप हाइड्रेट रहें। सोडियम से भरपूर फूड आपके शरीर के फ्लूड को जकड़ लेते हैं, जिस वजह से पेट फूलता है। ऐसे में एक साथ बहुत सारा पानी पीने से भी पेट में दर्द महसूस होगा। ब्लोटिंग से बचने के लिए रोजाना 8 से 10 गिलास पानी आपके लिए सही रहेगा। इसके अलावा पांचवा टिप्स आपके लिए है, गर्म चाय पिए। हर बार सिर्फ वाटर रिटेंशन से ही ब्लोटिंग नहीं होती, कई बार ज्यादा खाना खाने की वजह से पेट में गैस भी हो जाती है। ऐसे में गर्म चाय आपके पेट को आराम पहुंचा सकती है, इसलिए पुदीना या आप कोई भी चाय इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर होगा इसमें चीनी ना डालें, क्योंकि चीनी आपके पेट को फुला सकती है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। Bye.